एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम आए हैं सेक्टर 26 के कालीवाड़ी मंदिर से। यहाँ पे सरस्वती पूजा हो रही है और सरस्वती पूजा बंगाली लोगों के लिए बहुत खास है और आज मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आज मेरे बेटे के हाथी थोड़ी होता है। तो बच्चे जब पहले लिखना सीखता है तो पंडित से लिखवाते हैं माँ सरस्वती के आगे। उसके लिए स्लेट और चौक चाहिए होता है, जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको। मैंने पर्ची काटा है, अभी मैं दिखाऊँगी आगे कैसे मैंने पर्ची काटा है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी बंगाली लोग आए हैं और मेरा नंबर जो है 33 है। तो अभी माइंस में अनाउंस करके बुलाएंगे तो टाइम को ले लूँ और मेरे पीछे तो अभी हाथी घोड़ी देंगे। उसके बाद जो जो होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वीडियो में। बस ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो फ्रेंड, यहाँ पे काट रहे थे पर्ची और ये लोग जो है पर्ची काट काट के दे रहे थे। और ये सामने स्टेज था, यहाँ पे हाथी घोड़ी दे रहे थे। ये हाथी घोड़ी जो लोग दे रहे थे उसी का लाइन था और भीड़ देख सकते हो आप। तो ये अंश का आज हाथी घोड़ी होगा, उसके लिए ये पर्ची काटना पड़ता है यहाँ पे। तो इसमें देखो 201 रुपये का पर्ची काटा है और लाइन देखो अभी हाथी घोड़ी का लाइन कितना ज़्यादा है। और हमने पर्ची काट लिया है, टोकन नंबर 33 है। अंश आज बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। देखो अंश कैसे रेडी हो गया है। ये आपका है? वैसे मैंने ये घर से भी खरीद के लाई थी बट यहाँ पे पहले से ही दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे मैं अंश को लेके आ गई थी पंडित जी के पास सरस्वती माता के सामने और पंडित जो है स्लेट निकाल रहे थे और स्लेट को पहले वहाँ पे मंडप में छुआया। उसके बाद वो उसमें एक बंगाली में लिख रहे थे शौर्या और आसे अनार, दोनों चीज़ सेम ही होता है बट उन्होंने बंगाली में भी लिखा था और हिंदी में भी लिखा था। उसके बाद अंश का हाथ पकड़ के वो कैसे लिखा रहे थे, जो उन्होंने लिखावट लिखा था उसी के ऊपर अंश का हाथ घुमा के लिखवा रहे थे और अंश भी अच्छे से लिख रहा था। और उसके बाद जो है मैं भोग के लिए लड्डू भी लेके गई थी, वो लड्डू भी उन्होंने वहाँ पे छुआया था माता के सामने और माँ के पैरों के पास से थोड़ा सा दो चार फूल लेके मेरे को दे दिया था। और बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बस पाँच मिनट टाइम भी लगा टाइम नहीं लगा और उनका हाथी खोड़ी देना कंप्लीट हो गया। और मैं अपने भाई को बोल रही थी कि अच्छे से बनाना वीडियो और पास आके बनाना, वही सब उसको सिखा रही थी। तो उसने फ़ोन को जो है चौड़ाई से लंबाई में कर दिया था, फिर दोबारा उसने चौड़ा कर दिया था। बस मेरी पूजा हो गई और मैं अंश को लेके नीचे उतरूँगी। उसके बाद मुझे अंजलि देना था जिसके लिए मैं सुबह से फास्ट रखा था और अंश ने भी आज फास्ट रखा था क्योंकि अंश की पूजा थी तो अंश का भी फास्ट था और मेरा भी फास्ट था। तो अब मैं नीचे उतर रही हूँ और मेरा भाई अभी भी वीडियो बना रहा था तो मैं उसको बोली थी वीडियो अब बंद कर दे बट वो फिर भी वीडियो बनाया जा रहा था। माधवो श्री माधवो। फ्रेंड, अभी जो है यहाँ पे अंजना देते हैं, जो लोग वर्क करके रखते हैं भगवान को अंजना देते हैं। तो अभी अंजलि दे रहे थे हम लोग, तो ये देख सकते हो आप, ये अंजना देने वाली लाइन है। तो अंश ने और मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, हम लोगों ने भी अंजना देने के लिए व्रत रखा था और अंश को भी व्रत रखवाया क्योंकि उसको हाथी घोड़ी देना था। तो अभी हम प्रसाद खाएंगे, तो अब चलते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं उनके पास चलते हैं और सभी लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड, अभी प्रसाद लेंगे तो ये प्रसाद के लिए लाइन लगा रहे हैं सब ऐसे करके और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी लाइन लगने वाली है। सब लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं और प्रसाद क्या मिलता है वो भी मैं आपको ये सब लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं। मैं उसको गोदी ले रही हूँ, तो अंश को मौसी ने गोद ले लिया है, ये दूसरी मौसी है। हेलो, ये भी लाइन में खड़ी हो गई। एंड अभी हम लोगों का सारा कुछ कंप्लीट है और हम लोग अभी प्रसाद खा रहे हैं। अंश भूखा था तो अंश को ये मिठाई खिला रही हूँ मैं। अंश बहना है, छोटा सा भाई, ये मामा, छोटी सी बुनू,
फ्रेंड्स को अब लेना है फ़ोन। उसने एक दूसरे छोटे बच्चे के पास फ़ोन देखा तो उसको भी फ़ोन चाहिए। तो अभी देखती हूँ मैं क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे, खिलौने वाले का दुकान भी लगा है तो उसको पहले मैं खिलौना दिला देती हूँ। अंश क्या लोगे, क्या लोगे? खिलौना नहीं पो। अंश को खिलौना चाहिए। इधर बन रही है पूरी सब्जी, जिनको भी खाना है पूरी सब्जी खा सकते हो। और ये यहाँ पे छोटे से खिलौने की दुकान है, अब उसको यहीं से कुछ लेना है। देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। फोन कितने का है ये? फोन कितने का है? 50 रुपए। फोन 50 रुपए का मोबाइल। अंश ने यहाँ पे फोन ले लिया है। अंश दिखाओ अपनी फोन, दिखाओ। ये रहा अंश की फोन, ये लो भैया पैसे। अंश फोन लेके मांगा। और खाने की लाइन देखो कितनी भीड़ हो रही है कालीवाड़ी में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैंने सोचा नहीं था इतना भीड़ होगा, बट बहुत भीड़ है। तो अभी हम खाने की लाइन में खड़े होते। फ्रेंड यहाँ पे खाना देना शुरू हो गया है और प्रसाद में है खिचड़ी, मिक्स सब्जी, पापड़, चटनी, खीर। तो अभी मैं अपनी थाली दिखाऊँगी जब मेरे को मिल जाए। थैंक यू। इधर से लो। तो फ्रेंड प्रसाद हमने ले लिया है और ये रहा हमारा प्रसाद। और अंश बाबू देखो कैसे बैठा है गुस्से में, उसका आज पूरा मूड ही ऑफ है, गुस्से गुस्से में ये पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी हम प्रसाद खाएंगे, उसके बाद थोड़ा घूम घाम के अच्छे से फिर घर जाएंगे। अंश और अंश अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, वो अपना मोबाइल पकड़ा हुआ ही है। फ्रेंड अभी हम माँ सरस्वती के पास आए हैं, यहाँ पे टीका लगाया है पंडित जी ने हमारा। अंश का टीका देख सकते हो, मम्मा का टीका देख सकते हो, और ये पीछे माँ सरस्वती है। तो हमने खाना पीना भी खा लिया, माँ सरस्वती को देख लिया, अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा घर, है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ ये मेरा लुक था, मैं दिखा नहीं पाई इतनी, मतलब मैं अकेले आई हूँ, अंश के पापा नहीं आए। अंश के पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और उनकी तबीयत ख़राब थी बीच में, उस वजह से बहुत सारी छुट्टी हो गई थी इसलिए छुट्टी नहीं मिला। तो हम दोनों यहाँ माँ बेटा, और यहाँ पे बहुत सारे जान पहचान लोग भी मिल गए। और अंश अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैं 3-4 साल बाद आई हूँ कालीवाड़ी सरस्वती पूजा में, और बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो आज का ये वाला ब्लॉग हम भी एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय कर दो अंश। बाय एवरीवन।